सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आपकी जो सीटेट है उसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है और इस वर्ष 9 दिसंबर 2018 को आपकी जो सीटेट के एग्ज़ाम है उसका आयोजन करवाया जाएगा। 9 दिसंबर 2018 को सीटेट का आयोजन करवाया जाएगा। सीटेट परीक्षा का आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य है वो चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता है, शिक्षक गुणवत्ता के मानक को प्रदान करना है। बहुत से छात्रों को ये भ्रम रहता है कि सीटेट का प्रमाण पत्र के बाद में नौकरी किस तरीके से हासिल की आती है और बहुत से छात्र हैं वो सीटेट के प्रमाण पत्र के महत्व के बारे में और इसकी वैधता के बारे में भी नहीं जानते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो कितनी साल तक मान्य रहता है। देखिए, मैंने आपको सीटेट की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर मेरे पास कई कमेंट आई थी कि सर इसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन प्राप्त कर सकता है और इसकी जो सर्टिफिकेट की वैधता होती है, इसकी वैलिडिटी है वो कितनी होती है। तो देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपको जो सीटेट का आपके प्रमाण पत्र है उसका महत्व क्या क्या है और इसकी वैलिडिटी है वो कितने साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। इसलिए आप सभी छात्रों का जो भ्रम है वो निश्चित रूप से ये वीडियो पूरा देखने के बाद में दूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट का जो प्रमाण पत्र है उसका महत्व क्या क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो प्रमाण पत्र है शिक्षक नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या है, एक न्यूनतम पात्रता है। यदि आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में विभिन्न बोर्ड विद्यालयों के द्वारा जारी की गई रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का प्रमाण पत्र कुछ मुख्य महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है जिसके बारे में अपन बात करें तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सीटेट का जो प्रमाण पत्र है वो केंद्रीय सरकारी शिक्षक कार्य के लिए न्यूनतम पात्रता है। देखिए, सीटेट प्रमाण पत्र के बाद में उम्मीदवार सभी केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे आपकी केंद्रीय विद्यालय में KVS में जो वैकेंसी निकलती है, NVS में जो नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी निकलती है, आर्मी शिक्षक ERDO में जो वैकेंसी निकलती है, सीटेट का प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवार केंद्रीय सरकारी शिक्षक के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में सीटेट पास होना जरूरी है, सीटेट का सर्टिफिकेट होगा तभी आप केंद्रीय सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, सीटेट का जो प्रमाण पत्र के बाद में उम्मीदवार सभी राज्यों के सरकारी शिक्षक कार्य के लिए आवेदन कर सकता है। तो सीटेट का प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आप किसी भी राज्य में जो टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से प्राइवेट संस्थान सीटेट पास शिक्षक को भर्ती के आधार पर यह वरीयता देते हैं। अगर जिनके पास में सीटेट का प्रमाण पत्र होता है, बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी होती है वो उनको डायरेक्ट हायर कर लेती है। देखिए, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं वो नियमित या फिर संविदा शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट पास योग्य शिक्षक को प्राथमिकता देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट सीटेट पास किए होते हैं उनमें कई केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो संविदा के लिए जो वैकेंसी लिखती है निकलती है उनको लिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए, सीटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं क्योंकि आप किसी भी राज्य में ये जो टीचर की वैकेंसी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए सीटेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में सरकारी शिक्षक बनने की जो आपकी नौकरी है प्राप्त करने का मौका है वो आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, सीटेट प्रमाण पत्र की योग्यता के लिए अगर अपन मापदंड की बात करें तो देखिए, सीटेट की में बैठने वाले उम्मीदवार का अंक बाद में जारी किया जाता है। 60% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मौजूदा जो आरक्षण नीति है उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और OBC विकलांग व्यक्तियों आदि से संबंधित व्यक्तियों को रियायतें दी जाती हैं यानी इनको छूट दी जाती है। सीटेट की परीक्षा को अन्य सभी शिक्षण परीक्षाओं जैसा कठिन माना जाता है। सीटेट परीक्षा को पास करने का दर है वो बहुत कम यानी कि 2 से 14% ही है, यानी 2% से लेकर 14% तक कैंडिडेट हैं वो इस सीटेट को क्लियर कर पाते हैं। अगर आपके पास में सीटेट का प्रमाण पत्र है तो आपकी नौकरी प्राप्त करने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। देखिए, सीटेट के प्रमाण पत्र की वैधता और अगर इसकी कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो देखिए, सामान्य कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके क्वालिफाइंग प्रतिशत की अगर बात करें अपन तो उनको 60% लाना जरूरी होता है। देखिए, सीटेट का जो 150 नंबर का जो पेपर होता है उसका जो पासिंग अंक है आपको 90 अंक लाना जरूरी है। देखिए, 60% के अगर क्राइटेरिया के बात करें तो जो 150 है उसका 60% कितना होता है, 90 अंक होता है। इसलिए सीटेट पास करने के लिए आपको कितने अंक लाने जरूरी है, अगर आप ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 अंक आपको लाने जरूरी है। अगर आप OBC कैटेगरी से या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 82 अंक अगर आप ले आते हैं तो आपकी सीटेट है वो क्लियर हो जाती है, यानी क्वालिफाइंग प्रतिशत है वो OBC और SC ST कैटेगरी लिए 55% रखा गया है। देखिए, सीटेट की वैधता की अगर अपन बात करें तो अगर आप एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो इसकी जो वैधता है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 7 वर्ष तक मान्य होती है, यानी सीटेट का प्रमाण पत्र है वो आपका 7 वर्ष तक वैलिड है।
देखें सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि परिणाम घोषित होने के बाद में 7 साल तक रहती है। परीक्षा में बार बार बैठने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप कितनी बार एग्जाम में बैठ सकते हो। सीटेट पास उम्मीदवार अपने स्कोर को सुधारने के लिए इस परीक्षा को बार बार दे सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको अगर सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो 7 साल तक आपका वही सर्टिफिकेट रहने वाला है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से सीटेट का फॉर्म निकलता है तो आप अपना स्कोर है वो बेटर करने के लिए फिर से सीटेट के एग्जाम दे सकते हैं। अगर उस एग्जाम में भी आप पास होते हैं तो वो जो प्रमाण पत्र फिर से बनेगा वो आपका फिर से 7 साल के लिए वैलिड होगा, यानी आने वाले 7 साल के लिए वैलिड होगा। तो इस तरीके से सीटेट का जो प्रमाण पत्र है और उसकी वैधता है, उसकी कट ऑफ है, उसके बारे में भी अपन ने इस वीडियो में बात की है। सीटेट कौन कौन दे सकता है, सीटेट देने के लिए क्या क्या फायदे हैं इसके लिए, और नौकरी की संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इनका महत्व क्या है, तो इन सभी के बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की है। अगर आपको और भी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाले काले बटन को जल्दी से नीला प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीटेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर हो सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।